बिहार का गया पारंपरिक भारतीय मिठाइयों तिलकुट और अनरसा के लिए मशहूर है। तिलकुट तिल और गुड़ या शक्कर से और अनरसा गुड़ या चीनी के साथ भीगे हुए चावल से बनता है। त्योहारों के दौरान और मंदिरों में प्रसाद के रूप में इन मिठाइयों की भारी मांग होती है। एक अनुमान के मुताबिक गया में करीब 10,000 लोग मिठाई उद्योग से जुड़े हैं। केंद्रीय बजट कुछ ही दिनों में आने वाला है। मिठाई कारोबारी बजट में मिठाइयों और रॉ मटेरियल से GST कम करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि लोकप्रिय मिठाइयों पर टैक्स कम करने से कारोबार में और तेजी आएगी। आजकल छोटे छोटे घरों में भी मिठाइयों की जरूरत होती है, चाहे वो छोटा त्यौहार हो या बड़ा त्यौहार हो, हर जगह थोड़ी सी मिठाइयों की जरूरत होती है। इस पर जो GST 5% का लगा हुआ सरकार का, हम चाहते हैं कि ये GST से बाहर आए। हम आशा रखते हैं जो नए सरकार गठन किए हैं और इनका तीसरा टर्म है, तो तीसरे टर्म में कुछ हम लोगों के लिए करें, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। गया के मिठाई कारोबारी बजट में महंगाई कम करने की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई पर काबू पाने से न सिर्फ कीमतें स्थिर होंगी बल्कि व्यापार भी बढ़ेगा। इसका नतीजा रोजगार के ज्यादा मौकों के रूप में सामने आएगा। खाने पीने की चीज को अगर सस्ता नहीं किया गया तो इसका असर हम लोग के व्यवसाय पर भी पड़ेगा, क्योंकि हमारा कोई मुख्य भोजन नहीं है, वो मिठाई देना शौक से खाना यही बिजनेस है। तो ऐसे रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार से निवेदन करेंगे कि वो महंगाई पर अंकुश लगावे और खाद्य सामग्री में तो GST वगैरह एकदम खत्म करें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस महीने की 23 तारीख को लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। ये NDA सरकार का पहला बजट होगा।